आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू परवल फ्राई, बहुत ही करारे आलू और परवल की सब्जी। और इसमें मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको पूरी, पराठे, दाल, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूला करें। वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट्स करना एकदम ना भूलें। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। तो आइए शुरू करते हैं अपने बहुत ही टेस्टी आलू परवल फ्राई बनाना। इसमें मैं मसालों का बहुत ही कम यूज़ करूंगी। तो इसके लिए मैंने पाव भर परवल लिए हैं और 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को भी देखिए पतला पतला मैंने काट लिया है और ये परवल को भी पतला पतला काट के हमने तैयार कर लिया है। तो मैं बताती हूँ कि परवल को कैसे तैयार करना है। अब परवल को हमें क्या करना है, इसके एंड्स जो हैं आगे से और पीछे से काट देने हैं और उसके बाद सिंपली हमें केवल इसको स्क्रैच करना है। इसको पूरा छीलना नहीं है, केवल स्क्रैच करना है। तो इससे क्या होगी कि गंदगी भी निकल जाती है और ये काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये देखिए बस बहुत ही हमने केवल इसको स्क्रैच किया है, छिला नहीं है। और स्क्रैच करने के बाद परवल आप इसको साफ धुल लें। अब इसको लेके हमको पतला पतला काट लेना है। ये देखिए अब हम इसको पतला पतला लेके काट लेंगे क्योंकि ये भुजिया है, इसकी भुजिया सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। तो जितनी पतली रहेगी उतनी ही ये अच्छी लगेगी। और ये देखिए ये परवल जो है ये थोड़ा पीला था इसका हिस्सा, तो आप चाहें तो ये जो मोटी मोटी बीज हैं तो आप ये निकाल भी सकते हैं। और ये देखिए ये काफ़ी वैसे नहीं थी पीले, तो ये देखिए ये काफ़ी ताज़े ताज़े हैं, तो उसमें मोटी मोटी बीज भी नहीं रहती हैं। तो आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं बस। लेकिन एक दो परवल ऐसे होते हैं कि उसमें पीला हिस्सा आ जाता है, आप उसकी चिंता ना करें, बस बीज मोटे मोटे निकाल दें। और ये देखिए परवल हमारे कट के तैयार हो गए हैं। तो अब गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैं ऑयल लेके ऐड करूंगी। 2 चम्मच ऑयल मैंने इसमें लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। मैं ये सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, सरसों के तेल में। आप चाहें तो कोई भी ऑयल में बना सकते हैं। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो हम इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, साबुत जीरा और 1 चुटकी हींग। अब इसको अच्छे से हम स्प्लटर होने देंगे। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 8 से 10 कलियां लहसुन की, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 प्याज, उसे मैंने लंबाई में पतले पतले काटे हैं। और 2 हरी मिर्च बारीक, इसे भी काट लिया है। अब ये सब एक साथ लेके डाल देंगे। अब इसको हमको अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इन सब का कलर चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम नमक अभी ऐड कर देंगे तो उससे क्या है कि प्याज थोड़ा जल्दी पक जाते हैं। तो नमक मैंने इसी स्टेज पे ऐड कर दिया है। बस अब थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा सा और कलर चेंज होने देना है हमें इसका। तो ये देखिए प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, हल्का लाइट ब्राउन हुआ है, पूरा बहुत ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करना है हमें। अब इस स्टेज पे हम मसाले ऐड कर देंगे। तो मसाले मैंने बहुत ही कम लिए हैं, बस केवल आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 स्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, केवल कलर के लिए। आप चाहें तो लाल मिर्च का एकदम भी यूज़ ना करें। अब मसाले अभी लेके हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे बस 10 से 20 सेकेंड के लिए कि मसाले इसमें पक जाएं। अब तुरंत हम इसमें परवल लेके ऐड कर देंगे। अब ये फ्लेम जो है मीडियम है तो परवल को 1 मिनट के लिए हम ओपन फ्लेम पे ही चलाते हुए पका लेंगे, बस केवल 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें आलू लेके ऐड कर देंगे। आलू देखिए एकदम पतले पतले मैंने काटे हैं, परवल भी पतले काटे हैं, आलू भी एकदम पतले पतले काटे हैं। अब इसको लेके हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आलू को लेके मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम एकदम लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। नमक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है तो एकदम लो फ्लेम पे हम इसे ढकेंगे और बीच में एक बार चला भी लेंगे 1 से 2 बार। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे 1 से 2 बार बीच में चलाया भी था और ये आलू गलने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी थोड़ी सी और इसमें कसर है आलू को गलने में,
ये परवल भी अच्छे से पक रहे हैं, तो हम इसको फिर ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे और बीच में एक से दो बार चला लेंगे। ये देखिए 5 मिनट और हो गए हैं, ढक्कन मैंने इसका हटा दिया है और ये देखिए आलू अच्छे से एकदम गल चुके हैं। तो अब हमें इसको थोड़ा सा करारा करना है क्योंकि ये फ्राई है, आलू परवल फ्राई। तो अब हम इसे ओपन फ्लेम पे पकाएंगे 1 मिनट के लिए। तो आप जो है मीडियम कर दें और इसको ऐसे ही फैला लें पूरी सब्जियां कि ये थोड़ी करारी हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए ऐसे पूरी कढ़ाई में फैला लें थोड़ी देर के लिए, फिर इसको चला लें और फिर थोड़ी देर के लिए फैला लें। ऐसे ही 1 मिनट के लिए आप ओपन फ्लेम पे इसे पका लें। तो ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसे बिना ढके मीडियम फ्लेम पे पकाया है। आप चाहें तो थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं गैस। और ये एकदम अच्छे से आलू करारे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं आलू परवल। तो ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही करारी कम मसाले वाली एकदम, बस मैंने केवल इसमें हल्दी पाउडर और ऑप्शनल है लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो डालें, उसमें बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी आपकी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। ओके बाय।